यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों पर सियासत पूरे उफान पर है। मुजफ्फरनगर महापंचायत से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और तब से टिकैत माहौल बनाने में जुटे हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके बाद करनाल में भी महापंचायत का आयोजन हुआ। राकेश टिकैत बार बार मोदी सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार भी टिकैत के महापंचायत और आंदोलन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने काउंटर अटैक किया है और रैली के 3 दिन बाद ही नहले पर तहला चला है। मोदी के इस फैसले से टिकैत की सियासी दुकान बंद होनी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि राकेश टिकैत बेचैन हो गए हैं। दरअसल किसानों की किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने गेहूं और सरसों सहित 6 रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार ने चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का MSP 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपए बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार ने बताया कि इस कदम का मकसद इन फसलों की खेती के रकबे के साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। सरकार का ये फैसला राकेश टिकैत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले को टिकैत की किसान राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम का मकसद टिकैत के प्लान की हवा निकालना है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद अब टिकैत के आंदोलन की हवा निकल गई है और उनके दावों की पोल भी खुल गई है, जिसमें वो केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार देने में जुटे हैं। हालांकि राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार के इस फैसले को मजाक बता रहे हैं। उन्होंने इसे धोखा बताया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि रबी के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के साथ मजाक है। महंगाई दर बढ़ने के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में भी कम वृद्धि है, क्या इसका फॉर्मूला बताएगी सरकार? टिकैत के इस ट्वीट से साफ है कि मोदी ने एकदम सही जगह पर वार किया है। मोदी सरकार के फैसलों से असली किसानों में खुशी है, लेकिन आंदोलनकारियों की नींद उड़ गई है। वहीं सरकार के अब तक के रुख से तो यही लगता है कि वो केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई BJP नेता इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं, लेकिन फिर भी टिकैत राजनीति करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH News। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।